वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डेटा या कंटिन्यूस डेटा हो और हम चाहते हैं कि उसको कैटेगरीज में चेंज करें, सो हम इसको किस तरह कर सकते हैं। इसको कहा जाता है रिकॉर्डिंग। मींस आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल डेटा हो, आप चाहते हैं कि उसकी कैटेगरीज बनाएं, डायरेक्टली स्पीसीज आपको उसकी कैटेगरीज बनाकर दें, तो इसको कहा जाता है रिकॉर्डिंग। और एक हम दूसरी चीज जो देखेंगे वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहते हैं कि लेट सपोज आपके पास एक किस्म की वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो आप चाहते हैं कि उससे दूसरी किस्म की कोई वैल्यूज निकालें। लेट सपोज आपके पास हाइट जो है आपने फुट में जो है मेजर किया और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ मीटर में मिले, तो इसको कहा जाता है, और आप इसको स्पीसीज के जरिए चेंज कर, इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्म। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आपने थोड़ा सा गौर से जो है इसको सुनना है। मेरे पास यहाँ कुछ डेटा है, ठीक है जी, और ये इसकी वेरिएबल व्यू है। ये जो डेटा है इसकी जो वो है लिंक है, वो मैंने यहाँ पर आपके साथ जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये लिंक मिलेगा। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर इसको स्पीसीज में, सॉरी, गूगल में खोलेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे जी, यहाँ पर आपके साथ गूगल ड्राइव खुलेगा, ठीक है जी। आप गूगल ड्राइव में आपके पास ये डेटा मौजूद है, अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा पे प्रैक्टिस करें जो मैंने अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आपके पास मौजूद है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। आप डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ से खोलें, ठीक है जी। सो ये मैं अभी यहाँ से खोल रहा हूँ। सो अच्छी बात है, अगर आप इसी डेटा पे अपने प्रैक्टिस करें तो आपको सीखने के लिए आसानी होगी, ठीक है। इवन अगर आपके पास अपना कोई डेटा है तो आप अपने डेटा पे भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ये डेटा इसलिए होगा कि आसान है कि आपको जो है समझना आसान हो जाएगा, ये मैंने कोई डेटा डाला है। इवन आप इसको खुद एंटर भी कर सकते हैं, अगर आपको डाउनलोड करना मुश्किल है तो आप यहाँ पर इस तरह की वेरिएबल्स बनाएं, एज, जेंडर, हाइट, वेट, जीपीए, निक पेन, ठीक है। और सिर्फ दो चीजें इसमें इनको वैल्यूज अभी हमने दी है, हमने मेल फीमेल जेंडर को दिया है और निक पेन यस नो किया है। तो आप इसको खुद एंटर भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो इस डेटा को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने का फायदा होगा कि आपके पास ये डेटा आएगा और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिकली करें, आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि हम डेटा को रिकॉर्ड किस तरह करते हैं। सो मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग का मतलब यह है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास न्यूमेरिकल डेटा है एज, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कैटेगरीज बनाऊँ, ठीक है। मैंने कसदन इसकी यहाँ कैटेगरीज नहीं बनाई अभी तक, मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं कैटेगरीज बनाऊँ, तो इसकी मैं कैटेगरीज किस तरह बना सकता हूँ इस डेटा से, ठीक है जी। लेट सपोज ये आपके पास 1000 बंदों का, अभी तो मेरे पास सिर्फ 10 बंदों का डाटा इसमें डाले ना, लेट सपोज आपके पास 1000, 10000 जितने भी बंदे हैं और आप चाहते हैं कि आपको स्पीसीज एक क्लिक में ये सारा का सारा इसकी कैटेगरीज बनाए, तो आप इसको किस तरह करेंगे, इसके हम रिकॉर्डिंग के तरीके करते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है, ये ऊपर अगर आपको नजर आओ तो ट्रांसफॉर्म लिखा है, ठीक है जी, जहां पर अभी मेरा कर्सर है, आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे रिकॉर्ड इन टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल के बाद आपको बताया जा रहा है कि आप किस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं एज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एज ऑफ द पार्टिसिपेंट जो सबसे ऊपर है, मैंने इसको यहाँ पर डाला। और मुझे बताया जा रहा है कि आपके आप इससे कौन सा वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो मैं इससे एज कैटेगरीज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आप देखिए इसमें मैंने स्पेस इसलिए नहीं दिया कि ये वेरिएबल का नाम है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होता, अलबत्ता अगर आप उसको लेबल करना चाहें जिस तरह वेरिएबल को लेबल करते हैं तो आप इसमें स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं एज कैटेगरीज बनाना चाहता हूँ। उसके बाद आप एज कैटेगरीज किस बेस पे बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, आप इस पे क्लिक करेंगे। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज में आप आएंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा है रेंज, ठीक है, जहां तक अभी मेरा कर्सर है, तो रेंज पे आप क्लिक करेंगे। आपको बताया जा रहा है आप किस तरह की कैटेगरीज बनाना चाहते हैं। लेट सपोज मैं बताना चाहता हूँ एक कैटेगरी मेरी हो 18 to 30 ईयर्स की, ये होली सोली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस तरह की कैटेगरीज बनाएं आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं अभी एक कैटेगरी बना रहा हूँ जो 18 to 30 ईयर्स के लोगों की हो। इसको मैंने वैल्यू दी 1 और इसको मैंने 8 किया, ठीक है। दूसरी मैं बनाना चाह रहा हूँ जो 31 ईयर्स से ले हो 40 ईयर्स तक, इसकी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 2। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल तीसरी कैटेगरी है लेट सपोज 41 से लेकर 41 से लेकर आप यहाँ पर लिख लीजिए 50 तक, ठीक है, और इसको आप वैल्यू दे 3। ये अगेन मैं रिपीट करूँ, वैल्यू आपके कैटेगरीज आपकी मर्जी, आप किस तरह बनाना चाहें। 51 से लेकर 100 तक जितने बंदे हैं, 100 तक तो नहीं होते, आपको समझाने के लिए सिर्फ, आप जितनी भी इसकी ले रहे हैं, लेट्स सपोज इसको मैंने वैल्यू दी 4, ठीक है। तभी मैंने इस एज की 4 कैटेगरीज बनाई इस तरह। मैं यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा है चेंज, मैं इस चेंज को क्लिक करता हूँ। आप यहाँ देखिए अब आपका एज जो है वो एज कैटेगरीज में चेंज हो जाएगा। किस तरह,
अभी देखेंगे यहाँ पर आपके एक नया वेरिएबल खुल जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद यहाँ पर एक वेरिएबल इंसर्ट हो जाएगा जब मैं जैसे मैं इस ओके को क्लिक करूंगा। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये आउटपुट व्यूवर आता है, इसका कोई खास फायदा नहीं है, ये आपको सिर्फ कमांड बता रहे हैं कि आपने जो कमांड दिए हैं वो ये है, इसको हम सिंटैक्स कहते हैं, हम आगे देखेंगे। इस आउटपुट व्यूअर को हम अभी छोड़ दें, ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर एक और वेरिएबल एंटर हो गया एज कैटेगरीज के नाम से। मैं वेरिएबल व्यू में जाता हूँ, वेरिएबल व्यू में यहाँ पर एक नया कैटेगरी जो है वो वेरिएबल ऐड हुआ है जो एज कैटेगरीज का है, और आप इसको यहाँ पर वैल्यू कर सकते हैं। लेट सपोज जिस तरह हम अपने पहले किया था, आप यहाँ से लिखिए कि 1 से मुराद मेरा है 18 to 30 years, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी आप मैंने आपको समझा चुका हूँ। 2 is equal to 31 to 40 years, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल 3 is equal to आपका है 41 to 50 years, ठीक है, और ग्रेटर देन आपके जो 50 ईयर है उसको हमने नंबर दिया था 4, आप इसको 50 to 100 years लिख सकते हैं, 50 to 60 लिख सकते हैं, जो भी आपको, या ग्रेटर देन 50, जिस तरह आपको आसान हो आप वो लिखे, ठीक है। मैंने ये किया और एड और ओके, ठीक है, अभी आप देखें तो आपका डेटा यहाँ सारा का सारा रिकॉर्ड हो गया है और आपके पास ये एज कैटेगरीज आ गई है। सो आपने एक तरह की डेटा एंट्री की, इससे आप दूसरा वेरिएबल कैटेगरीज बना सकते हैं, ठीक है जी। ओके, वन थिंग मोर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बातों का आपको ये इस तरह नजर नहीं आता। आप व्यू में जाएं तो ये वैल्यू लेबल्स पे क्लिक करें तो आपको ये नंबर सिर्फ नजर आ रहे हैं, और अगर आप व्यू में जाएं, ये व्यू का टैब है, और आप यहाँ वैल्यू लेबल्स, तो ये दोबारा इसमें आ गया है, ये आपकी मर्जी, आप किस तरह इसको देखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। हम एक और प्रैक्टिस भी करेंगे, लेट्स सपोज जीपीए पे प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैं जीपीए में 2 categories बनाना चाहता हूँ, ऐसे बंदे जिन 2 to 3 एक कैटेगरी बन जाए, 3 to 4, ठीक है, ओके। वन थिंग मोर, अगर हम देखें तो एज कैटेगरी यहाँ पर आ रही है, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एज के बाद रखूँ, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, आप इसको क्लिक करें, इसको ड्रैग करें और यहाँ ऊपर लेकर आए, तो एज कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी खुद ब खुद, ठीक है जी। ओके जी, मैं वापस आता हूँ डेटा व्यू में, डेटा व्यू में मेरे पास एज कैटेगरी यहाँ पर आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरह जिस तरह मैंने एज को कैटेगरीज बनाई है, मैं चाहता हूँ कि जीपीए की भी कैटेगरीज बनाऊँ। तो अगर आप डेटा व्यू में देखें तो जीपीए आपके पास न्यूमेरिक है, मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं कैटेगरीज बनाऊँ। मैं किस तरह बना सकता हूँ, आप वही इसी तरह जाएंगे, ट्रांसफॉर्म यहाँ पर आएगा, रिकॉर्ड इन टू डिफरेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करेंगे, एज वाला किस्सा खत्म हो गया है, अभी हम जीपीए को कर रहे हैं, तो आप जीपीए पे जाएं, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कहा जा रहा है जीपीए को आप किस वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं जीपीए को कन्वर्ट कर रहा हूँ जीपीए कैटेगरीज में, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पर इसको लेबल करें जीपीए कैटेगरीज, बाकी तरीके उसी तरह है। आप यहाँ ओल्ड एंड न्यू, तो आपके पास जो पुराने वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी है, उसको आप रिमूव करें, द रीजन इज कि अभी हम इसको नहीं कर रहे, हम अपने लिए नए वेरिएबल नए कैटेगरीज बना रहे हैं। अब जीपीए में हमारे पास हम चाहते हैं कि एक कैटेगरी हो 2 से लेकर 2.00 से लेकर 3.00 तक, और इसको मैंने नंबर दिया 1, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया, इसी तरह मैंने आप लिखे 3.01 और से लेकर 4 तक जितने बंदे उसको मैं कैटेगरी 2 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, मैंने कंटिन्यू पे प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पर ये चेंज लिखा है, ठीक है, राइट साइड पे चेंज पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर ओके है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक नया वेरिएबल होगा जो CGPA जो GPA कैट के नाम से होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये अगेन आउटपुट व्यूअर है, आपको बता रहा है कि आपने जो कमांड दिया था वो बताया जा रहा है, और ये आपके पास जीपीए कैटेगरीज आ गई है, ठीक है। सो दैट्स समथिंग अबाउट जीपीए। अब अगर आप इसको वैल्यू देना चाहे तो अगेन वैल्यूज में जाए, जीपीए कैटेगरीज यहाँ लिखा है, आप इस वैल्यू में जाए, आप कहें कि 1 is equal to 1 से मुराद मेरा है जो जिन बंदों का 2.00 से लेकर किस तक था, 3.00 तक था, ठीक है जी, और 2 से मुराद मेरा ये है जिन बंदों का जीपीए था 3.01 से लेकर लेट सपोज 4.00 तक, आप यहाँ पर इसको ऐड करें, ओके प्रेस करें। अभी आप देखिए यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज है वो कन्वर्ट हो गई है जो आपकी ओरिजिनल है। अगेन आप इसको इस तरह देखना चाहे तो वैल्यू लेबल ये आपके पास नंबर में आ जाएगी, आप चाहते हैं कि आप इसको फुल देखें तो आपके पास ये ले उसमें आ जाएगा, वैल्यूज के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास है रिकॉर्डिंग का तरीका। अगेन आप चाहते हैं कि जो जीपीए है वो जीपीए के बाद आए, तो तरीका क्या है, आपने इसको क्लिक करा, आप यहाँ से ड्रैग करें और उसको ऊपर लेकर आए, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म, ये है हमारे पास रिकॉर्डिंग। अब हम बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि आपके पास एक किस्म की वैल्यूज है न्यूमेरिक और आप चाहती है कि दूसरी किस्म की वैल्यूज में वो कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्ट आपको स्पीसीज करके दे, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है।
सो लेट सपोज आप देखें, ये आपके पास हाइट है और ये हाइट जो है ये आपके पास फुट में मेजर किया गया है, 5.5 फुट, 5.3 फुट, 5.6 फुट। आप चाहते हैं कि इसको मीटर्स में चेंज करें, किसमें चेंज करें, मीटर्स में। सो अभी इस डेटा को आपने मीटर में ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना। हम क्यों इसको मीटर में चेंज करें, लेट सपोज आप बीमाई कैलकुलेट करना चाहें तो मैं आपको बीमाई का फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये बीमाई का फॉर्मूला है, इसमें हमें हाइट जो है वो मीटर में चाहिए, ठीक है जी। सो अगर हम हमें अभी ये जो हमने फुट में डेटा लिया है उसका हाइट का, हम इसको चाहते हैं कि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसफॉर्म कहा जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसका तरीका क्या है, आप यहाँ पर ये टैब है ट्रांसफॉर्म, इस पे क्लिक करें, यहाँ पर लिखे कंप्यूट वेरिएबल, कंप्यूट वेरिएबल पे क्लिक करें। ओके, कंप्यूट जो ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है थोड़ा सा ट्रिकी है, रिकॉर्डिंग की तरह नहीं है, रिकॉर्डिंग बहुत आसान है, ट्रांसफॉर्म करने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें आपने अपने फॉर्मूला बनाया था। मैं आपको सिखा देता हूँ, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। आपको बताया गया कि आपका टारगेट वेरिएबल क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरा हाइट जो है वो मीटर में आ जाए, क्योंकि इससे पहले मेरे पास जो वो है हाइट की वैल्यू थी वो फुट में है, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा हाइट मीटर, मैंने यहाँ स्पेस क्यों नहीं दी, रीजन इज कि ये वेरिएबल का नाम है और वेरिएबल के नाम में आपके पास स्पेस नहीं होता। अब आपको बताया जा रहा है कि आप किस चीज के बेस पे हाइट इन मीटर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मेरे पास पहले से कौन सा डेटा मौजूद है हाइट के मुताबिक, फुट, जो मैंने फुट में कैलकुलेट किया है। तो ये आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, यहाँ लिखा है हाइट इन फीट या फुट में जो हमने कैलकुलेट किया है, इस पे क्लिक करें और यहाँ पर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर इसको क्लिक करें, ये हमारे पास हाइट आ गया। अभी आपने अपने लिए फार्मूला बनाना है। सो आपको पता है कि हमारे पास जो वो होता है क्या है, 1 फुट जो है वो किस चीज के बराबर है। सो मैं यहाँ पर आप जाए यहाँ पर उसमें गूगल में, तो यहाँ पर लिखा है कि 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048। आप गूगल में जाए, गूगल में सर्च में लिखे फार्मूला टू कन्वर्ट हाइट इन फीट इनटू मीटर्स, ठीक है जी। अब फीट को हम मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहाँ है कि 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048। मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, और मैं जाता हूँ वापस इस पीसेस में, यस, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का बटन है, नजर आ रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई पे क्लिक किया और मैं मेरे पास जो फुट का डेटा है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.3048। बहुत से लोगों के जहन में आएगा कि 0.3048 कहां से आया। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जब उसमें जाएंगे गूगल में, आप सर्च करेंगे फार्मूला टू कन्वर्ट हाइट इन फीट इनटू मीटर, तो आप देखेंगे कि 1 फुट जो है वो बराबर है 0.3048 के बराबर। तो अभी हमारे पास जो फुट का डेटा है हमने उसको मल्टीप्लाई करने है विद 0.3048, ठीक है जी। सो ये मेरे पास है, मैं अब इसको क्लिक करूंगा ओके, और आप देखेंगे यहाँ पर एक नया वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर निक पेन के बाद एक नया वेरिएबल आ जाएगा और उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, हाइट इन मीटर। तो मैंने इसको क्लिक किया ओके, ये मेरे पास आउटपुट व्यूअर आया, मुझे बताया गया कि आपने ये कमांड किया है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और ये मेरे पास हाइट इन मीटर आ गया है, ठीक है। बादों का हमें शक होता है कि यार इस पीसेस ने कहीं गलती ना की हो, मतलब बादों का हम देखना चाहते हैं कि यार वाकई इस पीसेस ने डेटा सही कलेक्ट किया है या गलत कलेक्ट किया है। तो इसका तरीका क्या है, हमने बात की कि ये हमें मीटर में मिल गया है, ठीक है, अब इसको हम रीचेक करना चाहें तो रीचेक करने का आसान तरीका ये है, मैनुअली हम रीचेक कर सकते हैं। आप इसमें रेंडमली कोई भी नंबर ले, लेट सपोज मैं ये वाला लेता हूं, आप देखिए इसका हाइट कितना है, 5.6 फीट, कितना है, 5.6 फुट, ठीक है जी। मैं इस 5.6 फुट को चेक करता हूं कि या इस पीसेस ने सही किया है या नहीं, मैं वापस गूगल में आता हूं, अगर 1 फुट जो है वो 0.30 के बराबर है तो 5.6 फुट कितने के बराबर होगा, ये बराबर है 1.70, नजर आ रहा है। सो अभी हम वापस जाते हैं इस पीसेस में कि क्या इस पीसेस ने हमारे लिए सही कैलकुलेट किया है या नहीं। सो आप यहाँ आए तो ये है 1.71, ये 1 क्यों है, क्योंकि इसको इसने राउंड किया है ना, ठीक है, ये 1.70688, तो ये 688 चूंकि 5 से ऊपर है, डेढ़ सौ इसको राउंड किया गया है और वहां पर हमारे पास नजर आ रहे हैं 1.71, ठीक है जी। इट मींस कि इस पीसेस ने आपके लिए सही कैलकुलेशन की है, आप इसको रेंडमली चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको एक जगह पर भी गलती मिलती है तो फिर आपने सारे डेटा को देखना है कि कहीं पर गलती है, इस पीसेस गलती नहीं करता,
फिर आपने डेटा में एंट्री गलती की होगी, अगर डेटा एंट्री में गलती की हुई या किसी कमांड में गलती की है या किसी फार्मूले बनाने में गलती की है, सो आपने फिर चेक करना होगा। अभी हमारे पास ये डेटा हमने चेक किया, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको कोई दूसरा भी चेक कर लेते हैं, लेट सपोज 4.9 इसको चेक करें। हमारे पास हाइट है 4.9 फीट, मैं चेक करता हूँ कि क्या स्पीसीज हमें सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। तो मैं 4.9 को चेक करता हूँ कि 4.9 हमारे पास आ रहा है 1.49, ठीक है। सो हम यहाँ पर 1.49 देखते हैं, यस ये हमारे पास 1.49 है, इट मीन स्पीसीज की कैलकुलेशन सही है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना। अब अगेन मैं चाहता हूँ कि ये हाइट यहाँ पर सही नजर नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हाइट के बाद लिखूं, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ड्रैग करूंगा और ये हाइट के बाद यहाँ पर आपका वेरिएबल हाइट इन मीटर्स यहाँ पर आ गया है। सो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। फार्मूला आपने किस तरह बनाना है, ये आपने मैथ्स के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक फार्मूला बनाना है, ठीक है। अभी लेट सपोज आपने ये सारा डेटा एंट्री किया और आपने ये सब कुछ किया और आपके जो है सुपरवाइजर आपको कहते हैं कि जी अभी मुझे ये उसमें चाहिए, मुझे बीमाई चाहिए। अब आपने हाइट कैलकुलेट किया है, वेट कैलकुलेट किया है, लेकिन बीमाई आपने कैलकुलेट नहीं किया। या तो आपके पास ये तरीका है कि आप मैनुअली एक एक चीज को कैलकुलेट करें या आप डायरेक्टली इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करने का क्या तरीका है, अगेन मैं रिपीट, मैं अभी बीमाई कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। क्या चीज कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, बीमाई। तो आपको पता है कि बीमाई किस चीज के बेस पे कैलकुलेट होती है, हाइट इन मीटर और वेट इन केजी। ये फार्मूला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बीमाई को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अभी अगर आप बीमाई को कैलकुलेट करना चाहते हैं स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म जो ऑप्शन है उसके जरिए, आपने इस फॉर्मूले के मुताबिक अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होगा। मैं बीमाई कैलकुलेट करना चाह रहा हूं हाइट और वेट से, और हाइट मेरे पास मीटर में होना चाहिए, और वो मैंने किस तरह किया, फुट को मैंने कन्वर्ट किया हाइट इन मीटर, और अभी इसको मैं चाहता हूं कि मैं अपने लिए बीमाई कैलकुलेट करूं। अगेन मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, कंप्यूट वेरिएबल पे जाऊंगा। कंप्यूट वेरिएबल में ऑलरेडी मेरे पास एक फॉर्मूला है, किस चीज का था वो, हाइट का। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं अपने लिए नया बना लेता हूँ। मैं भी क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, बीमाई, ठीक है। आप यहाँ पर इसको अपने साथ लेबल भी कर सकते हैं, लेट सपोज मैं बीमाई से मेरा मुराद क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। तो यहाँ आप स्पेस दे सकते हैं, वेरिएबल नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते, कंटिन्यू पे प्रेस करें। अभी आपने फार्मूला बनाना है, क्या चीज करनी है, फार्मूला बनाना है। सो अगर देखें तो ये फार्मूला उसका क्या है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट मीटर स्क्वायर। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले वेट लेना है। तो अगर आप इन वेरिएबल में देखें तो वेट हमारे साथ कहाँ आ रहा है, दिस वन, ठीक है। ये अभी जहां पर मेरा कर्सर है, ये वेट इन केजी है, इसको मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर आया जी यहाँ पर, ठीक है। मैंने ओके, मैं इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको उसमें इशू ना हो, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये मेरे पास वेट है, ठीक है, वेट इन केजी, और इसको मैंने अभी इस वेट इन केजी को मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर लेकर आया, ठीक है। अभी आप देखें आपका वेट यहाँ पर आ गया है। अभी हमारे पास वेट इन केजी डिवाइडेड बाय उसके बाद क्या चीज थी, हाइट इन मीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास हाइट मीटर कहाँ पर है, ये वाला है, ठीक है। मैंने हाइट मीटर को सेलेक्ट किया यहाँ पर, और ये एक हाइट मीटर है, हमने क्या कहा था कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, हम हाइट मीटर को दो दफा लेकर जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर हाइट मीटर स्क्वायर हुआ और मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अभी ये हमारे पास बीमाई का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है, बीमाई को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बन गया है। मैं इसको वापस मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये आपके पास बीमाई का फॉर्मूला बन गया है, इस बीमाई के फॉर्मूले के बेस पे आप अपने लिए बीमाई कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओके कर लेता हूँ और आप देखें ये मुझे स्पीसीज कह रहा है कि आपने ये कमांड दिया है। यहाँ पर अभी आपके पास एक नया वेरिएबल आ गया है बीमाई का, और बीमाई आपके लिए यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। आपको डायरेक्टली स्पीसीज ने आपके पास जो हाइट मीटर का डेटा था और वेट का डेटा था उसके बेस पे आपने ये करना है। याद रखें हाइट आपने फुट में नहीं लेना, मीटर में लेना है, अगर आप इस फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बीमाई कैलकुलेट हो गई। मैं देखना चाह रहा हूँ कि बीमाई सही कैलकुलेट हुई है या गलत हुई है। तो अगेन आप गूगल पे जाए, कोई भी बीमाई कैलकुलेटर ले रेंडमली, लेट सपोज ये कोई बीमाई कैलकुलेटर, कैलकुलेट बीमाई फ्रॉम हाइट इन मीटर्स, ये आपके पास लिख लें। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ कैलकुलेटर आ जाएंगे, लेट सपोज ये कैलकुलेटर है, अगर ये भूल गया, आप कोई भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, सिर्फ कंफर्मेशन, यस दिस वन, ठीक है। सो लेट सपोज
अभी मैं एक को सिर्फ वो लेता हूँ एज ए रेंडमली लेता हूँ कि क्या मेरे पास वैल्यू सही आ रही है नहीं. सो लेट सपोज मैं किसको लूँ, मैं इस 5.6 वाले को अगेन लेता हूँ. मेरे पास हाइट इन मीटर क्या है, 1.71 है. वेट कितना है, 82 है. वेट कितना है, 82 है. सो अभी मैंने उस कैलकुलेटर में क्या करना है, वेट इन किलोग्राम डाल दें 82, और हमारे पास हाइट क्या था, मैं भूल गया, हाइट हमारे पास है 1.71. सो यहाँ पर हाइट दे इन मीटर 1.71, सॉरी यस हो गया. और इसको कहे कैलकुलेट करें, जब ये आपके पास कैलकुलेट करेगा तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है. ठीक है, यस, नेट थोड़ा सा स्लो है. ये हमारे पास आ गया जी 28.0. अब वहां देखते हैं कि क्या स्पीसीज हमें सही रिजल्ट दे रहा है. यस, इस इज 28.15. ये क्यों इसमें मसला आ रहा है पता है, क्योंकि हाइट इन मीटर जो है ये इसको राउंड किया गया था. ठीक है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू ज्यादा है. अगर आप चाहते हैं कि इसकी 1.71 की ओरिजिनल वैल्यू आपको पता चले, मतलब अगर राउंड करने के बाद हो, तो आप इस डिसिमल्स को ज्यादा कर लेना, इस डिसिमल्स को ज्यादा कर लें. ठीक है, तो ये आपके पास ओके फॉर द फील्ड आपको नजर आया, आप इसको डिसिमल्स को ज्यादा कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैं इसको 4 कर देता हूँ. ठीक है, तो असल में इनकी ओरिजिनल वैल्यूज ये थी, लेकिन चूंकि डिसिमल 2 थे तो उन्होंने राउंड कर लिया था ना, 1.71 कर लिया था 1.7069 के बजाय. मैं हम इसको वैसे 2 में ही रखते हैं. ठीक है जी, मैं इसको डिसिमल में अगेन इसको 2 में कर लेता हूँ. लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ बीमारी आ रही है क्या, हमने जिसके लिए कैलकुलेट किया था 28.15, और जब हमने यहाँ पर मैनुअली कैलकुलेट किया मतलब उसके जरिए, तो 28.0 आ रहा है. तो ये 0.15 फर्क क्यों आ रहा है, सिर्फ इस राउंडिंग की वजह से. इसकी ओरिजिनल वैल्यू असल में 1.71 नहीं थी, 1.069 थी. ठीक है, जो अभी हमने वहां देखी. तो अगर आप इसको 1.069 करें ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन याद रखिए 28.0 और 28.15 ये इतना फर्क नहीं करता, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपको बाद में कोई इशू ना हो. सो ठीक है, देयर इज सम इशू, आई डोंट नो. ओके, मैंने शायद वहां पर गलती कर ली. ये हमारे पास इसको मैं डिसिमल में दोबारा कर लेता हूँ, डिसिमल ज्यादा कर लेते हैं. ठीक है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या आ रही है, 1.7069. ओके, मैंने एक ये वो की थी ना, 1.7069. अब इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास सही रिजल्ट आएगा. तो कैलकुलेटर करने से कैलकुलेटर से जरूरी नहीं है, ये आपके पास आ रहा है 21, 28.1. अगेन ये 5 क्यों स्किप कर रहा है, द रीजन इज कि इट्स जस्ट आपको उसके लिए किया गया है, आपके अराउंड किया गया है. तो 28.1 या 28.15 ये बिल्कुल सेम है. आप इवन इसको जो 2 वैल्यूज है इसको भी आप 1 कर सकते हैं, जैसे आपको मर्जी है कर सकते हैं. सो इस तरह आपकी बीमाई कैलकुलेट होगी. अगेन मैं चाहता हूँ कि मेरी बीमाई यहाँ पर ओके इसी तरह आप रेंडमली 2-3 को और भी चेक कर सकते हैं. रेंडमली चेक कर लें कि क्या आपकी रिजल्ट जो है वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे. स्पीसीज कभी गलती नहीं करता. हाँ, अगर आपने फॉर्मूला में गलती की है या एंट्री में गलती की है तो आपके पास रिजल्ट गलत आएंगे. तो देयरफॉर आपने अगर मैनुअली कंफर्म करना चाहते हैं तो आप मैनुअली कंफर्म कर सकते हैं. बाकी स्पीसीज अपनी तौर पर रिजल्ट आपको सही ही देगा. ओके, अब मैं चाहता हूँ कि बीमाई मुझे यहाँ नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि बीमाई मुझे हाइट और वेट के बाद यहाँ पर नजर आए, तो इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ. अब मैं चाहता हूँ कि बीमाई की मैं कैटेगरीज बनाऊँ. क्या बनाऊँ, कैटेगरीज बनाऊँ. अभी अगर आप देखें तो ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, इसकी कैटेगरी नहीं है. अगेन आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. आपको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल में जाएंगे, ये पुराने वाले को हटा दें. अभी हम किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बॉडी मास इंडेक्स को, इसको यहाँ डाल ले. आपके पास नया जो वेरिएबल आएगा उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बीमाई कैटेगरीज. ठीक है, आप इसको यहाँ पर लेबल करें. ठीक है, लेबल करना सिर्फ आपको समझाने के लिए है, जरूरी नहीं है आप करें. ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज में जाएंगे, ये पुराने जो वैल्यूज थी उसको आप हटा दें. ठीक है, और यहाँ पर लिख दें कि जिसकी जो है वो लेट सपोज 1 to 18 हो. चले मैं हम देख लेते हैं मेरे पास बीमाई की, अगर फॉर एग्जाम्पल ये बीमाई की रेंजेस है ना, अभी खुल जाते हैं. आप यहाँ पर दे बीमाई रेंजेस, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बीमाई के रेंजेस दे रहे हैं. लेकिन लेट सपोज ये कह रहे हैं कि बिलो 18.5 जिनकी हो वो अंडरवेट है. ठीक है, सो मैं यहाँ पर इस पीसेस पे लिख लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कि जिसकी 1 से लेकर 18.5 तक होगा
उसको मैं वन में डाल लेता हूँ, ठीक है, जिसकी लेट सपोज 18.6 से होगा, कहाँ तक 18.6 से होगा, हमें यहाँ देख देता हूँ, 18.6 से होगा 24.9, ओके, ये बिलो 18.5 है, सॉरी, तो हमें इसे 18.4 वहां रख लेंगे, और इसको 18.5 से लेकर 24.9, और इसको मैं कर लेता हूँ 18.5, क्योंकि वहां उन्होंने किया था, इसको मैं वैल्यू 2 दे देता हूँ, अलबत्ता इसको मैं 18.5 के बजाय क्या करूं, 18.4 कर देता हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 18.5 से जो भी कम होगा वो अंडरवेट है, इसको आप चेंज पे क्लिक करें एंड ये आपके पास आ गया, तो 1 थ्रू 18.4 आपका 1 हो जाएगा, 18.5 से 24.9 आपके पास 2 हो जाएगा, ओके, इसके बाद आपके पास है 25 से लेकर 29.9 तक आपका जो होगा ये आपके वैल्यू 3 है, ओके 8, उसके बाद आपके पास जो 30 से लेकर जितना भी है, 30 से लेकर मेरे ख्याल में 40 तक है जो भी होगा आपके पास, तो 30 से लेकर मैं इसको यहाँ से खैर चेक कर लेते, 30 से लेकर 39.9 इन्होंने लिखा है, सो ये हमारे पास होगा 19, ठीक है, इसको मैं वैल्यू देता हूँ 4, ये आपके पास आ जाएगा जी, इसको आप कहें 4, सॉरी इसको आप यहाँ पर करें, इसको हटा दें, ओके ये गलती हो गई है, इसको हम मैं कर लेता हूँ, ये तो हो गया था ना हमारा, अभी हम इसको उससे कर लेते हैं, ओके इसको मैं हटा दूँ, ओके जी, अभी मैं कर रहा हूँ 30.0 से लेकर 40 तक जो है, या 30.99 तक है, इसको मैं लिख देता हूँ 4, और इसको मैं कह देता हूँ 8, ये मेरे पास एक नया है, ओके तो ये 4 आ गए, इसको कंटिन्यू करें, इसको यहाँ पर चेंज को प्रेस करें, इसको ओके करें, आपके पास एक नया वेरिएबल यहाँ ऐड होगा बीमाई कैटेगरीज के नाम से, आपको नजर आ रहा है ये कैटेगरीज है, लेकिन इसको अभी वैल्यू नहीं दिया गया, आप इसको वैल्यू करें, वैल्यू करने का तरीका क्या है, आप 1 को दे अंडरवेट, 2 को कहें जी नॉर्मल, 3 को कहें, सॉरी स्पेलिंग में मसला है, ठीक है, 3 को कहें जी ओवरवेट, और 4 को कहें जी डिफाइन, ओके कोई मसला आ गया, ओके 2 में गलती से हो गया था, 3 को आप कहें ओवरवेट, और 4 को कहें आप जी ओबीस, ठीक है, ये कैटेगरीज आप किस तरह बनाएंगे, तो मुख्तलिफ गाइडलाइन है WHO की, और तो आपने फिर देखना है कि आप किस तरह बनाते हैं, ये मैं समझाने के लिए मैंने 4 बनाई हैं, इसके अलावा और भी है, जिस तरह ओबिसिटी टाइप 1, ओबिसिटी स्टेज 1, ओबिसिटी स्टेज 2, तो आपने उसके मुताबिक फिर अपना करना है जो भी आपकी होंगे, मैंने जनरली ये बनाया है, ठीक है, अब मैंने जब इसको वैल्यूज दी, आप डेटा व्यू में आए, डेटा व्यू में आपके पास बीमारी की कैटेगरीज बन गई है, बीमारी की कैटेगरीज आप चाहते हैं कि बीमारी के बाद नजर आए, तो उसका तरीका क्या है, आप इसको बीमारी को सेलेक्ट करें, यहाँ से उसको उठाएं और बीमारी के नीचे रखें, ये आपके पास आ गया डेटा व्यू, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको इस तरह देखें, ठीक है, ओवरवेट इस तरह देखें, या अगर आप चाहते हैं कि आप इसको उसमें देखें इस तरह नंबर्स में देखें, तो आपकी मर्जी है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस वे में देखूँ, सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिकॉर्डिंग, लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो गया है, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इतना ज्यादा लेंथी हो, लेकिन चूंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे मसला होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सीखें, ओके आप किसी भी वेरिएबल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आपके पास जो भी वेरिएबल होगा उसको आप रिकॉर्ड या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको फार्मूला का पता होना जरूरी है, ठीक है, अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो फार्मूला आप किस तरह बनाएंगे, और अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप कैटेगरीज किस तरह बनाएंगे, इसका आपको इल्म होना चाहिए, यकीनन फार्मूला किस तरह बनता है तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आप कोई कहना चाह रहे हैं कि मैं सेंटीमीटर से उसको इंचेस में कन्वर्ट करूं, तो फार्मूला आपको कौन देगा, सिंपली आपको गूगल देगा, आप किसी भी चीज को कर सकते हैं, वो सिंपली मैथ्स है, मैथ्स आपको वहां से मिल जाती है, ठीक है जी, फिर भी अगर आपको किसी चीज का फार्मूला चाहिए, मतलब आपको बनाने में मुश्किल हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए फार्मूला ढूंढूंगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जितना भी डेटा पे हमने आज जो काम किया ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, इस पर प्रैक्टिस करें और देखें कि क्या ये काम कर रहे हैं या नहीं, इससे आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं वो एक दफा डेटा एंट्री करते हैं फिर कैटेगरीज बनाते हैं मेनू लगाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है, इस पीसीएस की सारी की चीजें आपको खुद ब खुद करके देता है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस पे इंशाल्लाह जाएंगे, थैंक यू वेरी मच।